आजकल के भागदौड़ वाले जिंदगी में लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल गए हैं और नतीजे ये हैं कि घर घर में बीमारी ने अपने पैर जमा लिए हैं। खासकर दिल की बीमारी है, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी आम सी हो गई है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो बीते कुछ सालों से दिल की बीमारियों के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं GBS 24। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल के मामले बढ़ रहे हैं और विशेषज्ञों की माने तो दिल की बीमारियों में बढ़ने का सबसे बड़ा कारण खराब लाइफ स्टाइल, खान पान की बिगड़ी हुई हैबिट और कोविड वायरस। 20 से 30 साल की उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आया, जिसमें से कई मामलों में तो मरीजों की मौत भी हुई, जिनमें कई अभिनेता और अभिनेत्री कक्षा में। कुछ दिन पहले ही सुष्मिता सेन के हार्ट अटैक होने की बात सामने आई, तो वहीं अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत भी हार्ट अटैक की वजह से हुई। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अभिनेता लोग तो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, उन सबके बावजूद इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों में दिल की बीमारियों और उनसे बचाव को लेकर जानकारी की कमी। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हार्ट के लिए किस तरह के टेस्ट कराने और किस टेस्ट से हार्ट में ब्लॉकेज का पता लगता है। इससे बचाव के लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर समय पर हार्ट की ब्लॉकेज का पता लगाना जरूरी है और ब्लॉकेज की जांच के लिए सबसे अच्छा टेस्ट सीटी एंजियोग्राफी, इस टेस्ट से ब्लॉकेज की सटीक पहचान होती है। हालांकि अधिकतर लोग इस टेस्ट को तब कराते हैं जब हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। आइए आपको बताते हैं क्या होता है ये टेस्ट। दरअसल एंजियोग्राफी में सीटी स्कैनर और कंप्यूटर से हार्ट में ब्लॉकेज की पहचान की जाती है और ये आसान सा टेस्ट है जिसमें मरीज को दर्द नहीं होता, किसी भी ब्लॉकेज की पहचान की जाती है। इसके साथ ही आजकल लोगों में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने का भी चलन बढ़ गया है। इस टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल की जानकारी मिल जाती है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो समय पर दवाई लेकर और खान पान से इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को लिपिड प्रोफाइल के अलावा एंजियोग्राफी भी करानी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं एंजियोग्राफी किसे कराना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल 250 के पार, जिनके चेस्ट में दर्द रहता है, जिनकी सांस जल्दी फूल रही है, परिवार में किसी को अगर हार्ट की बीमारी रही हो तो उन्हें भी कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, चेस्ट में भारीपन रहता है और सही समय पर इलाज अगर हो तो एक्सपर्ट्स के अनुसार आपकी हार्ट की बीमारी सही। एक्सपर्ट्स की यदि माने तो अगर किसी को अपने के लक्षण नजर आ रहे हैं और एक साथ ये परेशानी हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाए और समय पर लक्षण की पहचान कर इस इलाज से हार्ट अटैक से खुद को बचाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखेंगे।